वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे एक मीम कॉइन की जिसका नेम है शिबा इनू। तो ये शिब जो है वो एक डॉज कॉइन किलर है, एंड अगर आपको उसका सेल परचेज करना है तो आप शिबा स्वैप जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वहां पर कर सकते हैं। शिबा इनू कॉइन जो है वो एनोनिमसली कोई क्रिएट किया था अगस्त 2020 में, मतलब पता नहीं किसने क्रिएट किया है, लेकिन धीरे धीरे ये कॉइन अपनी स्पीड अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है क्योंकि कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स चार्म पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटीज लाइक इलॉन मस्क एंड विटालिक ब्यूटरिन जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसके प्राइजेस में राइज देखने को मिलता है। शिबा इनू एम करता है तो इथीरियम बेस्ड काउंटर पार्ट टू डॉज कॉइन स्विफ्ट बेस्ड माइनिंग एल्गोरिथम है। शिबा इनू शिप टोकन जो है वो डॉग थीम क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है, लाइक बेबी डॉज कॉइन जिंडो आईएनयू अलास्का आईएनयू इन सबसे रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि क्या रीजंस रहे हैं शिप क्रिएट करने के बिहाइंड, क्यों टीम शिप क्रिएट हुई, तो कुछ रीजंस ये हैं, थ्री रीजंस की बात करेंगे। और फर्स्ट रीजन है वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो विद जीरो, एंड जो ब्रिलियंट माइंड्स है जिन्होंने शिप क्रिएट किया वो पहले कभी कोलैबोरेट ही नहीं हुए थे। थर्ड, उनको शिबा इनू डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। अगर हम बात करें और कि शिबा इनू के जो प्राइस हैं वो क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्यों इंक्रीज राइज हो रहे हैं, तो उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर वो जो डॉग इंस्पायर्ड आर्टिस्ट होते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनको इन्वाइट करते हैं टू आर्टिस्टिक शिबा मूवमेंट में, एंड वो ब्रिंग करते हैं जो कम्युनिटी है शिबा इनू की कम्युनिटी ताकि वो उसको NFT मार्केट में लेकर जा सके। दे ऑल्सो लॉन्च द कैंपेन यूजिंग अमेजोन स्माइल ताकि वो डोनेशंस कलेक्ट कर सके फॉर रेस्क्यू रील लाइव शिबा इनू डॉग्स विद शिबा इनू रेस्क्यू एसोसिएशन। सितंबर 2021 में जो कॉइन बेस जो लार्जेस्ट US क्रिप्टो करेंसी है उसने शिबा इनू को अपने प्लेटफॉर्म पे रेस किया था जिसकी वजह से जो प्राइजेस थे उनमें 40% का राइज देखने 40% प्राइस देखने को मिल रहा है, मतलब 40% अप प्राइस देखने को भी मिल रहा है। इलॉन मस्क जब ये ट्वीट करते हैं तो लोगों में एक हलचल मच जाती है उस कॉइन को लेकर, वैसे ही जब वो शिबा इनू के बारे में ट्वीट करते हैं तो लोगों में बस क्रिएट हो जाती है कि वो उसको खरीदे। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो शिबा इनू का जो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ था वो 216% तक का हो गया था, एंड बहुत ज्यादा मेजर अब प्राइस भी देखने को मिली थी। द US फेडरल रिजर्व जो है उन्होंने मंडे को रिवील किया कि ऑल फेडरल बैंक्स जो हैं वो यूज़ करने जा रहे हैं ISO 20022 सिस्टम फॉर फेडवायर फंड सर्विस, एंड जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि रॉबिन हुड जो है कि वो क्या शिबा इनू को अपने लिस्टिंग करेगा, क्या अपने पोर्टफोलियो में उसको लिस्ट में उसको दिखाएगा, उसको शो करेगा, और देखना ये भी होगा कि अगर वो रॉबिन हुड अपने लिस्टिंग करता है शिबा इनू की तो क्या उसके प्राइजेस फिर राइज हो जाएंगे। लेकिन हम आप सबको एक बात बता देते हैं कि प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी रिसर्च कर लीजिए, बिकॉज क्या हो रहा है जो शिबा इनू के जो कॉइन्स हैं वो एक ट्वीट की वजह से फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ट्वीट करने की वजह से उनके प्राइस राइज हो जाते हैं, रादर देन वर्किंग ऑन फंडामेंटल्स दे आर वर्किंग मोर ऑन ट्वीट्स। एंड एक पॉइंट ये भी है कि इनकी जो सस्टेनेबिलिटी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो हम चाहते हैं कि आप पूरी रिसर्च कीजिए एंड देन ही इन्वेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ फॉलो फिन स्ट्रीट। थैंक यू।